नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2024 में बिहार बोर्ड यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीईटी की परीक्षा 2 बार ली जाएगी, एक मार्च में और एक सितंबर अक्टूबर के समय में। आपको बता दें कि मार्च में होने वाले एसटीईटी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसमें समिति के द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रशिक्षित हैं उनके उनको अधिकतम उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी। जबकि आपको हम बता दें कि कई ऐसे शिक्षक हैं या ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका कहना है कि अधिकतम आयु में छूट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एसटीईटी 2023 जिस आनन फानन में लिया गया, ऐसे में वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। इसके साथ साथ छात्रों का कहना है कि 2012 के बाद देखा जाए तो 2023 में ही संपूर्ण एसटीईटी का आयोजन कराया गया। 2019 में हुआ लेकिन वो सीमित विषयों के लिए हुआ, और 2023 में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं दिया गया। आनन फानन में सारी प्रक्रिया को पूरा करा लिया गया 1 महीने के अंदर में ही। ऐसे में 2024 के मार्च के होने वाले एसटीईटी परीक्षा के अधिकतम आयु में छूट मिलनी ही चाहिए, जबकि समिति के द्वारा अभी तक कहा गया है कि छूट नहीं मिलेगा। और बताएं आपको हम कि बहुत सारे छात्रों की संख्या है इसमें, नियोजित शिक्षक भी शामिल है, उनका कहना है कि आयु की अधिकतम सीमा में छूट मिलना ही चाहिए, क्योंकि हर एक साल नियम है एसटीईटी परीक्षा होने का, अभी तक हुआ नहीं। कई कई सालों पर परीक्षाएं आयोजित की गई और ऐसे में आनन फानन में 2023 का एसटीईटी का परीक्षा आयोजित कराया गया, जिस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। वही बता दें आपको, कल शाम के 4:30 बजे से एसटीईटी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 मार्च 2024 से परीक्षा आयोजित होगी और 20 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण गुरुवार यानी कि कल से 4:30 बजे से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 2 जनवरी है। एसटीईटी 2024 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अक्टूबर को 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगा। यही जो पॉइंट है जिस पर बहुत सारे छात्रों का कहना है, बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का कहना है कि इसमें छूट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आपने हर एक वर्ष परीक्षा नहीं लिया, अपने मर्जी के हिसाब से आप 2023 में एकाएक से फॉर्म निकाले, जब उस समय शिक्षक या छात्र TRE 1 परीक्षा में व्यस्त थे, ऐसे में वो परीक्षा का फॉर्म नहीं डाल पाए या परीक्षा नहीं दे पाए। और जरूरी है कि जब लेट से परीक्षा हो रही है, समय समय से परीक्षा नहीं हुई है, तो अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाए। रिजल्ट जो है वो मई में जारी कर दिया जाएगा। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। खास यह भी है कि एसटीईटी इस साल 2 बार आयोजित की जाएगी, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एसटीईटी द्वितीय चरण के लिए 25 जुलाई को विज्ञापन जारी किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगी और परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच में चलेगी। जो शुल्क जो रखा गया है आपको बता दें, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला उम्मीदवारों को पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 960 रुपये देना होगा। वही दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को केवल 1 या 2 पेपर के लिए 760 और दोनों के लिए 1140 होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर आधारित मोड में परीक्षा होगी और अधिकतम 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें 150 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जिनमें 100 प्रश्न विषय से और 100 शिक्षण एवं अन्य क्षमताओं से होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी परीक्षा में। तो बता दें कि शेड्यूल जारी हो गया। और देखिए ये क्या नियम है कि आप कई वर्षों तक एक एक परीक्षा नहीं लिए और एक साल में आप दो दो परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में जो बहुत सालों से छात्र इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे या फिर इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे 2023 में जो आपके द्वारा लिया गया था, उनके लिए भी कम से कम समिति को सोचना चाहिए, बोर्ड को सोचना चाहिए कि वो भी इस परीक्षा में शामिल हो, तो अधिकतम उम्र में छूट मिलनी चाहिए। छात्रों का ऐसा कहना है, उनकी मांगे हैं और उनका सीधे सीधे कहना है कि आप अपने हिसाब से कई कई वर्षों तक चाहते हैं, नहीं परीक्षा लेते हैं, एकाएक आप
रातों रात फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक डेढ़ महीने में पूरी प्रक्रिया खत्म कर देते हैं, जबकि उस समय एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया बिहार में बीपीएससी के द्वारा चल रही थी। तो छात्रों का लगातार से ये कहना है कि एसटीईटी की 2024 के परीक्षा में अधिकतम उम्र में छूट मिलना ही चाहिए, और आशा हम करते हैं कि समिति के द्वारा इस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और इन छात्रों के पक्ष में कुछ रिलैक्सेशन जरूर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।